हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिप अप स्टडी। तो बड़े दिनों के बाद हम आपसे मुखातिब हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ का चैप्टर 8, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज जो फार्मूला बेस्ड है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपको याद करने का इजिएस्ट मेथड बताएंगे हम। तो सबसे पहला जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला हम यूज करते हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, बाकी सारे फॉर्मूलाज इसी से डिराइव होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें दो फॉर्मूलाज और देता है। तो हम सबने इक्वेशन सॉल्व की है, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने इसको फाइंड करना हो तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको लॉ ऑफ ट्रांसपोज याद है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसी के साथ हमारी दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी हमारे पास दो और फॉर्मूलाज देती है, जैसे कि हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी इसके साथ बनेगी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी के साथ अब हम तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं जो है कोसिकेंट एंड कॉट के ऊपर। तो वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी हमें दो फॉर्मूलाज और डिराइव करवाती है, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके साथ दूसरी आइडेंटिटी बनती है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा आइडेंटिटीज यूज होती हैं वो है हमारे पास ये वाली, ये दोनों, और हमारे पास ये वाली यूज होती है। ये बहुत रेयरली यूज होती है इस एक्सरसाइज में जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, और ये हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं ये हमारे पास थोड़ा सा कम यूज होती है, ये भी यूज होती है। तो जो हमारी बुक की एक्सरसाइज है वो इन आइडेंटिटीज के ऊपर ज्यादा बेस करती है। तो अप्लाई बाकी भी होती है क्योंकि हम एक्स्ट्रा बुक्स भी करते हैं तो वहां पर भी इनकी एप्लीकेशन आती है, लेकिन एनसीईआरटी की 8 पॉइंट जो लास्ट 4 एक्सरसाइज है उसके लिए ये ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ हमारे पास कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें आने चाहिए, वो है हमारे पास सबसे पहले वाला टैन थीटा जो होगा हमारे पास वो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोसिकेंट थीटा वो हमारे पास हमेशा होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट, सीकेंट थीटा हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज के अलावा एक टैन की आइडेंटिटी सॉरी कॉट की आइडेंटिटी भी आपको पता होनी चाहिए। इसको या तो हम 1 अपॉन टैन यूज करते हैं या यूज करते हैं कॉस अपॉन साइन। तो इसमें से ये आइडेंटिटीज ज्यादा यूज होती है इसमें, ये वाली, क्योंकि अगर आपने किसी भी इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक में बिल्कुल सिंप्लीफाई करना हो तो ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होगी। तो आपके पास ये चार फॉर्मूलाज जो कन्वर्जन है साइन कॉस में, और उसके बिना ये चार फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं करने, बाकी आप कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के लिए ये फॉर्मूलाज ज्यादा यूज हुए हैं। बाकी भी यूज होंगे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सम्स हैं तो आप उनके लिए इनको जरूर रेडी करोगे। तो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं पहले वो सॉल्व करते हैं और यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। तो चलिए हम अपने सम स्टार्ट करते हैं इसकी हेल्प से। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने ये आइडेंटिटीज यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेट इट्स राइट हैंड साइड विच इज गिवन टू यू, दैट इज कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हमने
ध्यान रखना है ये कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, ये उसका होल स्क्वायर है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करोगे, लेकिन किस बेसिस पे सिंप्लीफाई करोगे वो हमें ये बताएगी राइट हैंड साइड में आपके पास कॉस की टर्म जो है वो गिवन है। तो आप उसको ध्यान से देखोगे कि इन जो आपको टी रेशियोज गिवन है इनको साइन कॉस में चेंज करना शुरू कर दो। साइन कॉस में इसलिए कहा है क्योंकि इन दोनों में साइन भी आएगा। अगर राइट हैंड साइड पे साइन कॉस है तो बिल्कुल इजीएस्ट वे है कि जो आपके पास टी रेशियोज गिवन है उनको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉसिकेंट, कॉसिकेंट को अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा 1/sin θ और कॉट आ जाएगा cos θ/sin θ। तो यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास साइन थीटा है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, होल स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस 1 - cos θ। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि जो स्क्वायर है वो न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर को दोनों न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली दे दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो तीनों आइडेंटिटीज हैं वो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ गया जिसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। तो आप इसको कर दीजिए 1 - cos θ होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो थी 1 - cos²θ। तो होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि ये 1 स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा हमें दिख भी रहा है, लेकिन 1 अकेला दिख रहा है इसको, आप इसको 1 स्क्वायर कंसिडर कर लीजिए। तो आपके पास दिमाग में क्या आएगा, a² - b² उसकी जो आइडेंटिटी है वो है 1 - cos θ × 1 + cos θ जो कि a² - b² = a - b × a + b से आती है। तो आपके पास आ जाएगा 1 - cos θ, 1 + cos θ। इतने स्टेप्स करने के बाद आपको वैसे यहीं से पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारी राइट हैंड साइड बनती जा रही है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे अकेला है, तो एक 1 - cos θ को ये कैंसिल कर देगा। हमारे पास अब आ जाएगा 1 - cos θ / 1 + cos θ। ये हमने कहीं देखा देखा लगता है, कहाँ देखा है, राइट हैंड साइड में। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा is equal to right hand side, जो कि आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। सबसे इजी स्टेप्स में आप इसको कर लोगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपको कि देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है उसमें कौन कौन सी टी रेशियोज है और राइट हैंड साइड पे कौन सी टी रेशियोज है। अगर आप इन दोनों को कोरिलेट करने में कामयाब हो जाते हो तो आपका जो ये सम है बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। चलिए हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास सम है sin θ - 2 sin³θ / 2 cos³θ - cos θ = tan θ। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे चूज करेंगे, आपके पास आ जाएगा sin θ - 2 sin³θ / 2 cos³θ - cos θ। आप इसको ध्यान से देखिए न्यूमिरेटर को, आपके पास यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे साइन की पावर 3 है, तो इन दोनों में से हम साइन को कॉमन निकाल सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 1 - 2 sin²θ, इसके पास 3 साइन थे, एक हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 2 बच गए। इस बेचारे के पास एक ही था, वो ही बाहर निकल गया, ये अकेला वहां पे बंद रह गया। और सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में से कॉस को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 cos²θ, इसको भी अपने कॉस बाहर निकालना पड़ा और यहाँ पे है ही अकेला कॉस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये साइन कॉस बाहर क्यों निकले, उसका एक छोटा सा रीजन है, क्योंकि टैन थीटा है, टैन हमेशा साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा था इसलिए हमारे पास साइन अपॉन कॉस आना चाहिए था और ये हमने कॉमन निकाल के बना भी लिया। तो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वैनिश होगा, वैनिश नहीं, ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। अगर ये 1 नहीं बनेगा तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो हम इन दोनों को अरेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा है,
तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके दूसरे के जैसा बना लेंगे। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो ज्यादा थोड़ा सा एडवांस चल जाते हैं, वो दोनों को चेंज करते हैं, फिर वो कैंसिल नहीं होता। हमने सिर्फ एक को ही कैंसिल करना है, सॉरी एक को ही चेंज करके कैंसिल करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1-2 साइन स्क्वायर को हम 1-cos² वाली आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो जब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सॉल्व होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1-2 + 2cos² θ / 2cos² θ - 1। इसको देखिए 1-2 हो जाएगा -1, तो -1 मैं पीछे लिख दूंगा, यहां पे 2cos² θ आगे आ जाएगा। आगे पीछे लिखने से फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन वो सेम हो जाता है, तो आपको उसको समझने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी रहेगी। और ये वैनिश हो जाएंगे, is equal to tan θ, ये भी हमने कहीं देखा लगता है, तो ये is equal to right hand side आ जाएगा। आप इन सम्स को within 1.5 minutes बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी माइनर सी प्रैक्टिस की हेल्प से। तो आपको ये देखना होगा कि राइट हैंड साइड पे क्या है। राइट हैंड साइड पे टेन था तो हमें साइन अपॉन कॉस चाहिए था, क्योंकि ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन कॉस में है। चलिए हम इसकी एक और इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा इनकी यूज। स्टूडेंट्स, ये जो सम है बहुत बार एग्जाम में आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्री बोर्ड में भी डाला जाता है, क्योंकि इसमें ना कुछ 3-4 आइडेंटिटीज इकट्ठी लगती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे साइन है, कोसेकेंट है, कॉस है, सीकेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड पे सिर्फ टैन एंड कॉट है। हमको पता है कि साइन अपॉन कॉस टैन होता है, कॉस अपॉन टैन कॉट होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और वहां से हमारे पास एक नया पाथ मिलेगा जो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको अगर आप बोल के देखोगे तो आपके दिमाग में इसकी आइडेंटिटीज याद आनी शुरू हो जाएंगी, sin θ + cosec θ होल स्क्वायर से कुछ याद आया होगा आपको। होल स्क्वायर मीन्स a + b होल स्क्वायर। और यहां पे देखो cos θ + secant θ होल स्क्वायर, यहां पे भी होल स्क्वायर से आपको याद आया होगा a + b होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में दोनों के प्लस है। तो आप यहां पे वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यही वाला, sin² θ a² हो जाएगा, b² हो जाएगा cosec² θ + 2। a means sin थीटा, b means cosec थीटा। तो यहां पे इसने सारी स्पेस रोक ली, तो हम इसके नीचे लिखेंगे यहां पे a² आ जाएगा cos² θ, b² आ जाएगा secant² θ, और 2ab आ जाएगा cos θ * secant θ। तो आप यहां पे देखिए sin² θ + cos² θ, दोबारा बोलिए sin² θ + cos² θ, वो हमारे पास क्या होगा 1। अब cosec² θ एज इट इज रहेगा, sin * cosec, पहले sin तो हमारे पास है ही बिल्कुल बेसिक टी रेशो, cosec क्या होता है 1/sin, ये हमारे पास sin है, ये हमारे पास 1/sin है, sin के साथ 1/sin जब मल्टीप्लाई करोगे sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज इतनी खत्म हो जाएगी, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे secant² एज इट इज, और यहाँ पे cos and secant, secant जो है वो cos का रेसिप्रोकल है। तो सिमिलरली जैसे ये दोनों खत्म हुए थे वैसे ये भी खत्म हो जाएंगे, और इस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + cosec² θ + secant² θ। तो राइट हैंड साइड पे 7 है प्लस टैन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, हमने किसी भी तरह इन दोनों को टैन और कॉट में चेंज करना है। अगर आप 5 मिनट पीछे जाओगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में आएगी,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप आइडेंटिटी में कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरी चीज ये भी आपके सोचने वाली है कि फाइव का हमने सेवन बनाना है, तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हो कि ये वन ऐड होगा, वन यहाँ पे ऐड होगा इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी जो आप इजीली वे में कर सकते हो। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको उस क्वेश्चन को देखने के सार ही आपकी सारी जो आइडेंटिटीज है वो याद हो जाएंगी। और अगर आपको और भी कुछ इसके रिलेटेड कोई डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे पास वीडियोस अपलोडेड हैं इस मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और जल्दी से जल्दी अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस के जरिए हेल्प ले सकें। कुछ बच्चों को फार्मूलाज में बेसिक फार्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे आपके फार्मूला याद आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी वेट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जब बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तब तक के लिए